गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमेजिंग इंजीनियर में आपका स्वागत है। एवी कंस्ट्रक्शन भिवानी इन हरियाणा स्टेट। तो ये 215 गज के अंदर स्क्वेयर यार्ड के अंदर हाउस कंस्ट्रक्शन है। दिस इज़ फ्रंट डिज़ाइन, जो फ्रंट वॉल होती है हमारी, एक्सटीरियर वॉल, उसका डिज़ाइन है। एंड यहाँ पे हमारा फ्रंट एलिवेशन है। यहाँ पे सब टाइल लगेंगी, यहाँ पे पूरा ग्लास आएगा, यहाँ पे भी ग्लास आएगा एंड अपसाइड भी ग्लास आएगा, और यहाँ पे डिज़ाइन है ऊपर अगेन। सो हम एंट्री करते हैं। यहाँ पे रैंप का प्रोसेस चल रहा है ना, वो एंटर करेंगे हम। ये हमारा ओपन एरिया है, काफ़ी बड़ा ओपन एरिया है यहाँ पे। एंड ये हमारा स्टेप स्टेयरकेस है, जिसको हम कहते हैं डिज़ाइन वाला स्टेयरकेस और आरसीसी वाला स्टेयरकेस। ऊपर प्लास्टर हो चुका है स्टेयरकेस पे भी। अब हम एंट्री करते हैं ऊपर। जो हमारा ओपन एरिया है वो हमने नीचे बनाया है, एंड जो हमारा कवर्ड एरिया हमने ऊपर ऊंचा रखा है, ताकि कोई भी इंसेक्ट, स्नेक कभी बाहर से अंदर आता है तो वो ऊपर ना आ सके। तो ये एंट्री हो गई हमारी। सबसे पहले हमारी आ जाती है लॉबी। तो लॉबी के आते ही ये हो गई हमारी किचन। ये किचन है, फिर अंदर लेके चलते हैं आपको। राइट हैंड साइड बेडरूम है एंड लेफ्ट हैंड साइड भी एक बेडरूम है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड वाले बेडरूम में चलते हैं। ये देखिए, 14 feet by 12 feet का ये बेडरूम है, जिसके अंदर यहाँ पे 2 feet की कलमीरा बनेगी। एंड इसके अंदर कंबाइंड बाथरूम भी है, ये भी काफ़ी बड़ा है, 9 by 5.5 feet ये हमारा बाथरूम है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लेफ्ट वाले बेडरूम के अंदर। ये भी हमारा 14 feet by 12 feet का एरिया का बेडरूम है, काफ़ी लार्ज बेडरूम है। अगेन यहाँ पे हमारी अलमीरा आएगी, मार्बल की, ग्रेनाइट की, स्टोन की अलमीरा बनेगी। एंड इसके अंदर भी एक कंबाइंड बाथरूम है। जब हमने एंटर किया था यहाँ पे, ये बाथरूम बड़ा है, ये 10 by 5 feet का है। लेफ्ट हैंड साइड वाले बेडरूम के एंड में यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी लॉबी है। ये 5 feet की लॉबी है, काफ़ी लार्ज स्पेस है। प्लस यहाँ पे हमारा वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, सब कुछ यहीं पे आएगा। चलो अब मैं आपको फ्रंट गेट आगे लेके चलता हूँ लॉबी से साइड में। तो ये हमारी लॉबी है। एंड अगर आप एंट्री करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड मुड़ते हैं, तो ये आपका ड्राइंग रूम है, काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे पार्टीशन करके ये गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, और आपका ड्राइंग रूम ये रह जाएगा। तो ये ड्राइंग रूम है आपका 22 feet by 12 feet। ड्राइंग रूम में हमारे पास फॉल सीलिंग है, और यहाँ पे प्लस माइनस होगा। प्लस एक बाथरूम और है हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे। हमारे 3 bathroom हो गए हैं। ये कोलीग्स आते हैं हमारे घर में, तो उनके लिए हमने स्पेशल बाथरूम बनाया है। ये भी हमारा 8 feet by 5.5 feet का है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं हम। स्टेप स्टेयर कैसा, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा डिज़ाइन है स्टेप्स का भी। स्टेप स्टेयर केस मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है पर्सनली, क्योंकि इसके स्टेप्स भी एक जैसी रहती हैं सारी। ये देखिए फिनिशिंग के साथ ही ऐसा लग रहा है। यहाँ पे भी सेम स्टेप बनाया हुआ है हमने। अब ये देखिए फर्स्ट फ्लोर पे एंट्रेंस करते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एक पर्सनल रूम है, एंड राइट हैंड साइड हमारे पास एक पूरा का पूरा फ्लैट कह लीजिए आप, वो है। यहाँ पे पर्सनल रूम के अंदर भी फॉल सीलिंग चल रही है, काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन बनाएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ही हम चलते हैं।
और हम अपने छज्जे के पास जाते हैं, यानी कैंटिलीवर के पास जाते हैं। तो कितनी बड़ी इसके अंदर विंडो है, एक इस साइड भी है, ये आपका गेट है, एक इस साइड भी आपकी विंडो है। प्लस इसके अंदर आपका देख सकते हैं आप स्पेस कितना बड़ा है इस रूम का। प्लस हमारे पास यहाँ पे कंबाइंड बाथरूम भी है जिसका स्पेस 9 फीट बाय 5.5 फीट है। काफ़ी अच्छा स्पेस है। ये किचन है, अगेन जैसे हमने नीचे देखा था वैसे ही सेम प्रोसेस ऊपर है। राइट हैंड साइड में हमारे पास किचन है, ये हमारा अगेन ड्राइंग रूम कह लीजिए प्लस लॉबी एक आ जाती है। ये हमने एक पर्सनल रूम बनाया फ्रंट के अंदर, ये लॉबी एंड ड्राइंग रूम भी यही रहेगा। एंड अगेन राइट हैंड साइड आप जाएंगे तो एक 14 बाय 12 फीट का आपके पास बेडरूम है। लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास 14 बाय 12 फीट का बेडरूम है। ये आपका जो नीचे बाथरूम था इस रूम के लिए कंबाइन, वो अब हमने दोनों रूम्स के लिए एक कंबाइन बाथरूम दे दिया है। प्लस अब जब आप पीछे बालकनी में जाएंगे तो बालकनी में यहाँ पे पूरा आपके पास काफ़ी बड़ा स्पेस है जिसके अंदर आपका जाल भी लग जाएगा वेंटिलेशन के लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टेरेस पे, टेरेस पे हमने दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे सारी रेलिंग्स लगेंगी और यहाँ पे हम टेरेस पे आ गए हैं। अभी हमें मुमटी डालना है पूरा। तो यहाँ पे मुमटी होगी आपकी एंड जो हमारा एग्रीगेट रोड रहेगा वो इसके अंदर चला जाएगा ऐसे।